आज मेरे लिए इस तकरीब में शिरकत करना बायस मुसर्रत और बायस इज्जत है, क्योंकि डायरेक्टर स्कूल्स मिंगल साहब, सेक्रेटरी बाजी साहब ने मुझे दो तीन दफ़ा इस तकरीब के इनाकात के लिए जिक्र किया और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि जितना जल्दी हो सकता है इसको मुनक्किद किया जाए। जैसे कि आपको इल्म है, कोविड-19 की जो वबा फैली हुई है इसने पूरा हमारा एक साल तालीमी साल ज़ाय किया। सिर्फ हमारा तालीमी साल ज़ाय नहीं किया, इसने पूरी कौम का एक साल ज़ाय हुआ है। मगर दुनिया की अगर तारीख उठा के आप लोग देखें तो ऐसी वबाएं और जिलजिले और सैलाब जैसी तबाहियां वबाएं फैलती रही हैं। और तो और 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो आज दुनिया के जो सुपर पावर हम उनको फाइनेंशियली समझते हैं वो बिल्कुल बर्बाद और तबाह हो चुके थे। जैसा कि आपके सामने जर्मनी जापान की मिसाल है और इसके अलावा जितने ये यूरोपियन कंट्रीज आपको नज़र आ रही, ये फाते तो ज़रूर हैं मगर इनके यहाँ जिस तरह माशी सियासी इखलाकी तौर पर उनके लोग तबाह हुए वो आप लोगों की तारीख सामने है। मगर हमेशा कौमें जब उन पे मुसीबतें आती हैं, बुरा वक्त आता है, मुश्किल हालात होते हैं तो उसमें जब वो उठ के खड़ी होती हैं और सर्वाइव करती हैं तो वही कौमें काबिले ज़िक्र होती हैं और काबिले तारीफ होती हैं। हम बलूचिस्तान के लोग जब से पाकिस्तान का वजूद आया है 1947 से लेके आज तक हमने तालीम को वो हैसियत अहमियत नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। काश कि ये अरबों रुपए जो मुख्तलिफ महकमों के नामों पे हम खर्च करते हैं वो भी बहुत अहम हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मगर दो डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि तालीम और सेहत। हमने दोनों को इग्नोर किया, दोनों को नज़रअंदाज किया। काश कि हमने जिस डेवलपमेंट का जिक्र करते हैं और जिस पे हमने अपने पैसे लगाए वो अगर हम तालीम पे लगाते तो बलूचिस्तान आज तरक्की की जिस मनाज़िर पे आज हम खड़े हैं वो बहुत ज़्यादा होती। मैं अच्छा मुकर्रर तो नहीं हूँ मगर मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि चंद गुज़ारिशात जो मैं आपके सामने रखूँगा वो मेरे दिल के अंदर से आएंगी, मेरी दिल की बातें होंगी, प्लीज़ आप उन पे गौर ज़रूर कीजिएगा। ये तालीम का महकमा, ये तालीम की वजारत, यकीन जानिए कि मुझे इल्म था। मैं ऐसा नहीं हुआ है कि आज मैं पहली दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट बनाऊं और लोगों के कहने पे मैंने ये वजारत कबूल की। अब यकीन जाने ये मेरा एक शौक था, मेरा पैशन था और ये मेरी ख्वाहिश थी। जब मैंने ये फैसला किया कि मुझे तालीम की वजारत लेनी चाहिए थी तो बहुत सारे दोस्त
दोस्तों ने जो मेरे बहुत करीबी लोग थे उन्होंने मेरे सामने हाथ बांधे, कहा कि सरदार खुदा के वास्ते एक तो पिछले 15-20 साल से तुम अबोशियन में हो, अब ये फिर तालीम की वजारत ले रहे हो, इसमें मिलना जुलना कुछ भी नहीं है, मगर इसमें अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, मेरे पास लफ्ज भी नहीं है, लानत मलामत बहुत ज्यादा होगी, मिलना आगे से कुछ नहीं है, थैंकलेस जॉब है। आप इसमें जितना काम करें आपको बजाय तारीफ और लोग आपकी वो करें आप पे तनकीद ज्यादा होती है। मैंने उसके बावजूद भी ये कबूल की, मुझे पता था, मगर मुझे दो चीजों पे एतमाद था, एक मेरे अल्लाह की जात और दूसरा अपनी जात पे। मेरा ईमान है जिस रब ने मुझे बनाया है और जिसने मुझे ये सोच दी है, अगर इस पे मैं तवक्कल करूं और ये सोच के कि इंशाअल्लाह ताला जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा इस वजारत के बाद, मुझे यकीन है और मुझे उम्मीद है कि लोग शायद मुझे अच्छे लफ्जों में इस याद करें। ये बेनजीर भुट्टो स्कॉलरशिप बहुत अच्छा इकदाम है, जिसने भी किया है, ख्वाह वो हमारी हमारी हुकूमत हो या सबका हुकूमत हो, इस सूबे के जिस तरह पैसे ज़ाय किए गए हैं, जिस तरह इस मसाइल को लूटा गया है, वो क्या एक फारसी की मिसाल देते हैं ना कि शीर मदर कहते हैं, क्या कहते हैं वो एक मिसाल देते हैं कि माँ का दूध समझ के उन्होंने इसको पी लिया और इसको लूट लिया। हमें चाहिए कि उन लोगों का एहसास होना चाहिए और उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने बेनजीर भुट्टो स्कॉलरशिप जैसा इकदाम उठाया है, मैं उनको भी सलाम करता हूं, क्योंकि जब तक हम अपने स्टूडेंट्स की, अपने असातिज़ा की और उन लोगों की जो वॉलंटियरली इस महकमे में काम कर रहे हैं, खास तौर पर संडेमन हाई सेकेंडरी स्कूल को मैंने विजिट किया, उसमें हमारे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कम और वहां के लोगों का ज्यादा था। काश के बलूचिस्तान के लोग, वो लोग जो सरमायादार हैं और अल्लाह ने उनको वसाइल दिए हैं, वो वसाइल अगर वो एजुकेशन और हेल्थ पे लगाएं तो हमारा सूबा, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें शायद इस बलूचिस्तान को बहुत आगे ले जाएं। अब मैं असल मुद्दे की तरफ आता हूं। ये स्कॉलरशिप का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने उन बच्चों की हौसला अफजाई करें कि उनको देखकर दूसरे बच्चे भी कोशिश करें, एफर्ट करें, ताकि वो ये प्राइज मनी जो है, जो इनाम उनको दिया जा रहा है, वो भी हासिल करें। मैं उन बच्चों और बच्चियों को मुबारकबाद देता हूं जिनको आज ये प्राइज मनी मिलने वाली है। इसी जगह पे मैं उनके असातिज़ा को भी सलाम पेश करता हूं और उनकी भी मैं ये चाहूंगा कि सिर्फ असातिज़ा को नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स को नहीं, उनके असातिज़ा को भी इस तरह की प्राइज मनी मिलनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्राइज मनी मिलनी चाहिए,
हम ऐसा एक निज़ाम तालीम लाएं जिसमें उन असातिज़ा को भी प्रोमोशन में भी और बेहतर जगहों पे भी उनको, बेहतर जगह का ये मकसद नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अब सारे असातिज़ा से, अगर वो यहाँ जितने मौजूद हैं पूरे बलूचिस्तान में, सबसे पहले तो हम दावा करते हैं अपने लोकल का। हम जो यहाँ की दो बड़ी कौमें हैं, जब तक हमें जॉब नहीं मिलती, अच्छी पोस्ट नहीं मिलती, हम बड़े कौम परस्त होते हैं। अपने कौम का हमें दिल में बहुत दर्द होता है। जिस दिन हमें नौकरी मिल जाती है, तनख्वाह आना शुरू हो जाती है, तो उस दिन फिर हमें अच्छी पोस्ट चाहिए होती है। अच्छी पोस्ट उन लोगों को मिलनी चाहिए, उनको वो स्टेशन उन लोगों को मिलना चाहिए जिनकी कारकर्दगी तालीम में बेहतर हो। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, सेक्रेटरी साहब भी मेरे साथ थे, सेक्रेटरी हायर भी मेरे साथ थे, डायरेक्टर साहब अभी हमारे साथ थे। आखिर में मैंने उनको कहा कि सुन लो, अगर अभी तुम गर्ल्स कॉलेज की तरफ नहीं गए तो मैं अकेला अपनी गाड़ी में वहां जाऊंगा। मजबूर होके उनको वहां पे जाना पड़ा। जब मैंने वो कॉलेज देखा, इतनी बेहतरीन उसकी तामीर थी, उसमें टीचर्स के लिए हॉस्टल था, कौन से बीआरसी वालों ने वो एक बनाया था वहां पे, किस डिपार्टमेंट, हाँ बीआरएसपी, उसका जो मैंने बिल्डिंग देखी और उसकी फैसिलिटीज देखी तो मैं तो हैरान रह गया। मगर जब मैंने कॉलेजेस के रूम्स मैंने जब विजिट किए, उनकी क्लासेस मैंने विजिट की, तो आप यकीन जानें कि पूरी कॉलेज में एक भी प्रोफेसर नहीं था, एक भी लेक्चरर नहीं था, कोई प्रिंसिपल नहीं थी, कोई वाइस प्रिंसिपल नहीं थी, पूरी कॉलेज में एक भी स्टाफ, टीचिंग स्टाफ नहीं था। भाई मैं असातिज़ा को कहता हूं और खास तौर पर ख्वातीन असातिज़ा को जो यहां बैठी हुई हैं, मैं इनसे माफी के साथ ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये अगर आपने सिर्फ क्वेटे में ही रहना है, और क्वेटे में भी ये सिफारिश आती है कि यहां नहीं, इस मेले में नहीं, इस मेले में उनकी पोस्टिंग कर दें, तो मैं, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग बीमार हैं, मेरा ये मसला हो गया, तो मैं उन ख्वातीन असातिज़ा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिजाइन करके अपने घरों में भी बैठ जाएं। अगर आप लोगों ने नहीं करना है, और ये मैं बता दूं जब तक मैं हूं, ये तो खुश नसीबी है कि पिछले 8 महीने कोरोना ने मेरे जाये कर दिए, इसका गम, इसका अफसोस जब तक मैं जिंदा हूंगा मुझे रहेगा। देखें, हम एक सिस्टम बनाते हैं, आपका हक है, आपके हक देने के लिए हम तैयार हैं, आपको फैसिलिटेट करने के लिए हम तैयार हैं, मर्द साधा से आपको ज्यादा हम राइट देने के लिए तैयार हैं। मगर ये सिफारिशें और ये जो पिछली हुकूमतों में सिस्टम चलता रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं इसको आगे चलने नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम एक ऐसा निजाम भी बनाएंगे कि आपकी जो एसीआर लिखी जाए उसमें यह लिखा जरूर जाए कि आपने कितनी दफा मुझे सिफारिश करवाई, कितनी दफा मुझे प्रेशराइज किया, मिनिस्टर को किया, सेक्रेटरी को किया, डायरेक्टर को किया। हम एक निजाम हुकूमत, एक सिस्टम बनाना चाहते हैं ताकि आपकी प्रोमोशन, आपकी आइंदा ट्रांसफर पोस्टिंग एक निजाम के तहत हो, मेरे कहने, सेक्रेटरी साहब के कहने या डायरेक्टर साहब के कहने से ना हो,
आपका हक आपकी वो कहते हैं ना दहलीज तक पहुंचे, आपके दरवाजे तक पहुंचे। तो मैंने कहा कि जितने किला सैफुल्ला है ना उसका नाम डिस्ट्रिक्ट का चमन वाला किला अब्दुल्ला, मैंने कहा पहले मुझे ये लिस्ट ला के दें कि यहाँ की जितनी लेक्चरर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं जो वहाँ की लोकल हैं, पहले मुझे उनकी लिस्ट दें और जितनी टीचर उनका ताल्लुक किला अब्दुल्ला से था पहले 24 घंटे में हमने उनको वहां ट्रांसफर कर दिया। कोई 7 के करीब हमने लेक्चरर्स वहां भेजी। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हां असाजा की सख्त कमी हमें 1200 के करीब हमने डिमांड की थी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, थैंक्स टू गवर्नमेंट बलूचिस्तान उन्होंने उनको सेंक्शन किया है और हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को उनके लिए लिखा है, मगर वहाँ पे भी जहाँ 7 मेंबर होने चाहिए थे वहाँ आज 7 मेंबर हैं। मैं आप लोगों की तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मैं उसके लिए चीफ मिनिस्टर से मैंने 2-3 दफ़ा बात की है, जैसे ही ऑफिस खुलेगा मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कम से कम जो पब्लिक सर्विस कमीशन के बकाया मेंबर हैं उनको भी अपॉइंट किया जाए ताकि जितना जल्दी हो सके ये प्रोसेस कंप्लीट हो। आज के हवाले से मैं उन बच्चों और बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ और सिर्फ एक चीज़ मैं चाहूँगा कि जो बच्चे और बच्ची आई हैं उनमें उनके वालदेन कौन कौन हैं ज़रा हाथ को ऊपर करके बताएं मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने, वैसे मेंगल साहब अगर उनके वालदेन को भी बुला लिया जाता तो इस खुशी के मौके पे, अच्छा तो मैं 2 चीज़ें आखिर में कहना चाहता हूँ, तालीम और तरबियत। तालीम में स्टेट का बहुत हाथ होता है, उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है, मगर तरबियत का दारोमदार उसके माँ और बाप पे होता है। मैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, उनसे अपील करूँगा, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप अपनी औलाद की सही तरीके से तरबियत करें। और ये अब जब कोरोना आ रहा है और हम विंटर जून के अंदर छुट्टियां कर रहे हैं तो आप तालीम का और उनकी तरबियत का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको दे रहे हैं। खुदारा आप ये समझें कि वालदेन का किरदार और ख़ास तौर पर वालदा ये मुस्तकबिल के मेमार हैं। आप जब अपने बच्चे की खिदमत कर रही होती हैं उस पर, हाँ माँ का मुझे यकीन है, मैं 9 साल का यतीम था कि मेरी जो तरबियत हुई आज जो कुछ मैं हूँ उसमें मेरी वालदा का हाथ है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा खास तौर पे वालदेन से और ख़ास तौर पे माओं से कि आप सिर्फ तालीम पे नहीं, उनको अच्छा खिलाने पिलाने पे नहीं, उनको अच्छे कपड़े पहनाने पे नहीं, उनकी तरबियत पे भी ख़ास तौर पे, क्योंकि दुनिया के अंदर जो महजब कौमें होती हैं सिविलाइज कौमें होती हैं उनकी सारी तरबियत जो होती है उनमें उसका अमल दखल बहुत होता है। और आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको मेहरबानी करके आप जना रोड पे और लियाकत रोड पे देखें
कि उन्होंने क्या अपने हुलिये बनाए होते हैं और क्या उनका तर्ज जिंदगी है। और ख़ास तौर पर हमारे सूबे में जो नौ दौलती हैं जिनको अभी अभी दौलत मिली है, उन बच्चों को देखें। तो वालदेन का फ़र्ज होता है कि अगर उन्होंने अपने वसाइल अपने बच्चों पे खर्च करना है तो उनकी तरबियत पे करें, उनकी तालीम पे करें और उनको एक महजब शहरी बनाने की कोशिश पे करें। और वो औलाद उनकी तरबियत इस तरह करें कि वो मुस्तकबिल के मेहमान हों। मैं ये यकीन से कहता हूँ कि आज हमने जिन बच्चों को बुलाया है ये हमारा मुस्तकबिल है, ये बलूचिस्तान है, इन्होंने बलूचिस्तान को लीड करना है और इन्होंने बलूचिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देना है। तो मैं इनसे ये तवक्का करता हूँ कि जिस तरह आपने मेहनत करके जिस तरह आपने ये अचीव किया है, ये तालीम और तरबियत का सिलसिला इसको जारी रखें। और अगर मेरे बस में होगा और अगर मैं कुछ कर सकूं तो यकीन करें कि मेरी सोच मेरा जहन सिर्फ आप हैं। क्योंकि जो मेहनत मुझे करनी थी, जो कोशिश करनी थी, मैंने अपनी औलाद के लिए कर दी है। मैंने उनको बता दिया है कि आज तक मैं तुम लोगों के लिए मेहनत करता रहा, मैंने रात दिन अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी औलादों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। अब बलूचिस्तान के बच्चों का हक है, अब मैं तुम्हारे लिए नहीं बलूचिस्तान के लिए बच्चों के लिए मैंने मेहनत करनी है। मैंने अपने मसाइल अपना वक्त आप लोगों पे लगाना है और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर मुझे जिंदगी और वसाइल दिए वो इंशाल्लाह आप पे लगेंगे, आपके मुस्तकबिल पे लगेंगे। और मैंने ये कोशिश भी की है आज से नहीं कि मैं मिनिस्टर बनाऊं, पाँच साल पहले मैंने बहुत एक छोटा सा स्कूल शोरान में शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने मेरी मुखालफत की कि सरदार आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, अपने वसाइल ज़ाया कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं होना है, शोरान में कौन आएगा, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा। मगर मुझे आज फख्र है कि आज वो स्कूल इंशाल्लाह बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा।